उस दौर को याद किया जाए तो फिल्मी दुनिया में कुछ शख्स ऐसे हैं जो आज भी अपने नाम से लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला देते हैं। उन्हीं में से एक है 80 के दशक में लोगों को अपने हर किरदार से गुदगुदाने वाली अभिनेत्री गुड्डी मारुति। सभी धारणाओं को तोड़कर लोगों के दिलो दिमाग में अपनी कॉमेडी से जगह बनाने वाली अभिनेत्री आज भी प्रशंसकों के बीच उतनी ही लोकप्रिय है। अपने दम पर सिनेमा में पहचान बनाने वाली गुड्डी मारुति को पर्दे पर देखते ही लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते थे। लेकिन सवाल उठता है कि किसी जमाने में फिल्मों में कॉमेडी का तड़का लगाने वाली गुड्डी की गाड़ी अब कहां चल रही है। साथ ही हम आपको इनके परिवार के बारे में भी बताने वाले हैं। दुनिया को अपने अंदाज से हंसाने वाली गुड्डी मारुति का जन्म 4 अप्रैल 1961 में मुंबई में हुआ था। माया नगरी में जन्मी गुड्डी मारुति कहे या टुनटुन वहां की माया से बचपन से ही परिचित थी। मुंबई से ही नहीं, गुड्डी मारुति का नाता बॉलीवुड से भी जन्म से ही रहा। दरअसल ताहिरा परब यानी गुड्डी मारुति के पिता मारुति राव परब मशहूर एक्टर और डायरेक्टर थे। उनकी मां का नाम कनीस फातिमा है। वह एक पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री है और उनका स्क्रीन नाम कमल है। ऐसे में सिनेमा और गुड्डी का रिश्ता काफी पुराना रहा। फिल्मी परिवार में जन्मी अभिनेत्री ने सिनेमा में बहुत छोटी सी उम्र में ही कदम रख दिया था। गुड्डी ने बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 10 साल की उम्र में जान जाहिर है में पहली बार अभिनय का जलवा दिखाने वाली अभिनेत्री के जीवन में अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल पिता के निधन ने घर की सारी जिम्मेदारी अभिनेत्री के छोटे छोटे कंधे पर आ गई थी। गुजरा जमाना बेशक जीरो फिगर का न रहा हो, लेकिन फिट होना तब भी हिंदी सिनेमाओं की अभिनेत्रियों की जरूरत होती थी। ऐसे में गुड्डी मारुति का मोटा होना फिल्मों में उनके काम पाने की राह में बहुत बड़ा रोड़ा था। फिल्मों में रोल के लिए तरसती गुड्डी मारुति ने सभी मुश्किलों को हंसते मुस्कुराते सहन किया और अपने बुलंद हौसलों से लीड न सही पर साइड रोल से लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई। दुनिया को हंसाने वाली गुड्डी मारुति ने अपने फिल्मी सफर में इंडस्ट्री के एक से बढ़कर एक अभिनेता के साथ काम किया और 100 से ज्यादा फिल्में कर डाली। अभिनेत्री के हर किरदार को फैंस ने खूब प्यार किया था। उसी का नतीजा है गुड्डी मारुति के निभाए किरदारों की यादें आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। दुल्हे राजा, बीबी नंबर 1, शोला और शबनम, चोर मचाए शोर जैसी कई फिल्मों में काम करने वाली गुड्डी मारुति ने साल 1995 में आई फिल्म सॉरी मेरी लॉरी के बाद इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया। हालांकि अभिनेत्री ने पूरे 9 साल बाद 2015 में फिल्म हम सब उल्लू है से वापसी की और लोगों को खूब हंसाया। कमबैक करने बाद गुड्डी मारुति ने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। अभिनेत्री ने टीवी सीरियल्स में जैसे मिसेज कौशिक की 5 बहुएं, डोली अरमानों की ये उन दिनों की बात है में काम किया। इन शो में सीरियस किरदारों में नजर आई गुड्डी को लोग हंसते मुस्कुराते देखना ज्यादा पसंद करते थे। टीवी की दुनिया का रुख करने के बाद गुड्डी मारुति ने अपना वजन भी कम किया था। पर्सनल लाइफ की बात करें तो अभिनेत्री ने बिजनेसमैन अशोक से शादी थी और दोनों मुंबई में बांद्रा में रहते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।